नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। और सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे ही होंगे। तो लीजिए, मैं आ गई अपनी बगिया में। दोस्तों, मुझे सुबह सुबह इंतज़ार रहता है कि मैं कितनी जल्दी काम निपटाऊं और मैं जाऊं अपने गार्डन में, अपनी बगिया में, जहां मेरी जान बसती है। दोस्तों, यहां मेरी जान बसती है। देखिए कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है इस समय। देखिए, लौकी भी हार्वेस्ट कर ली है मैंने। दोस्तों, इतनी अच्छी फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है और मैं इसमें कौन सा कंपोस्ट डालती हूँ, मैं शाम को बताऊँगी। तो दोस्तों लीजिए, मैं शाम को हाजिर हूँ आप सभी के साथ। ये देखिए कि ये मेरे लौकी का पौधा है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी लौकियाँ लगी हुई हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि मैं इसमें ऐसा क्या डालती हूँ जो इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और हार्वेस्टिंग भी अच्छी मिलती है। इन पौधों के लिए ऐसा फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ जो ठंडक का एहसास दिलाएगा इन्हें। ये मट्ठा है दोस्तों, और इसमें थोड़ा सा पनीर का पानी भी मिला हुआ है, इसलिए थोड़ा ऐसा कलर दिख रहा है दोस्तों। तो पनीर बनाया था, इसमें थोड़ा निकला था और थोड़ा सा मैंने मट्ठा निकाला था, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं। और दोस्तों, इसको मैं देती हूँ अपने पौधों में 15 दिन के अंतराल में। मैंने मार्च के बाद पूरा अप्रैल में दो बार दे चुकी हूँ इसमें, और अभी ये आज देने जा रही हूँ। और जो इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है? किसी व्यूअर्स ने भी पूछा था कि आप अपने पौधों में कौन सी खाद देते हो, तो मैं गर्मी में ज़्यादातर लिक्विड कंपोस्ट बनाकर देती हूँ। सब्जियों के छिलके, प्याज के छिलके को रात भर भिगा करके पानी में मिलाकर देती हूँ इस फर्टिलाइजर को। इसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, गर्मी में इस समय पौधे हमारे जल जाएंगे, तो हम इसमें सूखी कंपोस्ट भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम इन्हें डाइल्यूट करके देंगे। तो दोस्तों देखिए कि ये मग्गा है, ये आधा लीटर का मग्गा होगा। तो चलिए हम इसे पानी में मिलाएंगे। दोस्तों, हम इसे पानी में मिला करके देंगे। इसमें हम लगभग 1 लीटर लेंगे। 1 लीटर में हम 10 लीटर पानी मिलाएंगे। दोस्तों, हम पानी थोड़ा ज़्यादा ही मिलाएंगे जिससे कि हमारे पौधे जले ना, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, 10 लीटर, 1 लीटर अगर हम मट्ठा लेते हैं इन जो भी, और उसे हम पतला कर लेते हैं, दही को भी पतला करके मट्ठा तैयार कर सकते हैं। और आज इसमें मेरे पनीर का भी पानी है और मट्ठा दोनों है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि मैं पौधों में डालती कैसे हूँ। इधर से देखिए दोस्तों कि मैं क्यारी में भी मैं सब्जियाँ लगाती हूँ, और ऐसे बड़े टब में भी लगाती हूँ। देखिए कि ककड़ियाँ लगी हुई हैं, छोटी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें डायरेक्ट दे देंगे तो ये जो छोटे छोटे बेबी फ्रूट हैं, ये कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमें पानी मिलाकर ही देना चाहिए। और दोस्तों, ये देखिए कि ये मैं गर्मी से बचने के लिए पौधों को ये ऐसा रखी हूँ, चिड़िया भी पिएगी, प्लस इसमें ठंडक बनी रहेगी, इसलिए मैं इसमें पानी भर के रखती हूँ। ये मेरा एक मिट्टी का पॉट है, टूट गया है, मैं इसी में पानी भर के रखती हूँ। इसे देखिए कि पौधे में नमी बनी रहती है। वैसे तो मैं अभी पानी डाल चुकी हूँ। दोस्तों, हम जब कोई भी कंपोस्ट डालते हैं, लिक्विड कंपोस्ट जब डालते हैं दोस्तों, तो हम सूखे गमले में हमें नहीं डालना चाहिए। ये मैं अभी ऊपर आने के बाद सभी गमलों में एक बार पानी दे चुकी हूँ। सूखी मिट्टी में हमें कोई भी कंपोस्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम कंपोस्ट डालते हैं वो जड़ों को मिलता है और उससे हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए सूखे गमले में हमें फर्टिलाइजर नहीं डालना है, क्योंकि उससे हमारे पौधे जल जाते हैं। ये हम लगभग 1-1 लीटर तक डाल सकते हैं, हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। ख़ास तौर से इस कंपोस्ट को लौकी हमारी बहुत पसंद करती है। पनीर का पानी हो और मट्ठा हो, हमारे लौकी में बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आती है। दोस्तों, उतनी सारी फ्रूटिंग हुई है। एक तरह से ये फर्टिलाइजर पौधों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का काम करती है। दोस्तों चलिए और डाल के दिखाती हूँ कि मैं हर तरह के प्लांट में डालती हूँ। ये देखिए कि ये मेरा सूरजमुखी का पौधा है, सनफ्लावर, मैं इसमें भी डाल दे रही हूँ। और दोस्तों ये देखिए कि इसमें और कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बल्कि अगले दिन बहुत अच्छे से पौधे हमारे दिखते भी हैं। ये देखिए, मैं सभी पौधे में डालती हूँ, हर तरह के पौधे में इसे देती हूँ। बस हाँ, इतना करती हूँ कि मैं इसे पतला बनाती हूँ, मैं इसे पतला बनाकर ही देती हूँ कि कभी अगर कोई चीज़ ऐसा है कि नुकसान भी किसी पौधे करे तो कर ही ना सके, क्योंकि मैं इतना पतला ही बनाती हूँ। और ये दोस्तों, हम हर तरह के पौधे में इसे दे सकते हैं। तो अब भी गर्मी में इस ठंडी छाछ को बना करके, इस ठंडी कंपोस्ट को बना करके दीजिए अपने पौधों को, और इसमें रामबाण का काम करेगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छी खाद है, आप इसे अपने पौधों को ज़रूर दीजिए, खासतौर से लौकी को। आइए दोस्तों, मैं 15 दिन पहले का आप लोगों को अपडेट दिखाती हूँ।
तो मैंने इसकी एक वीडियो डाला है, हार्वेस्टिंग की वीडियो डाला था दोस्तों उस समय, लेकिन आज मैं ये दिखा रही हूँ कि उस समय इतनी अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग कैसे हुई थी। देखिए पत्ते, देखिए पत्ते एकदम हरे ग्रीन चमकदार हुए थे दोस्तों। उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि मैं इस फर्टिलाइज़र को आप सभी के साथ शेयर करूं। आप अपने पौधे के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास कम पौधे हैं तो आप कम बनाइए, रेशियो एक और 10 का ही रखिए। मान लीजिए एक गिलास मट्ठा है आपके पास, तो 10 गिलास पानी डाल लीजिए और उसे अपने पौधों में दे दीजिए, हर तरह के पौधों में दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों कि ये मेरा पहले का रिजल्ट है, 15 दिन पहले का है जब मैंने डाला था। डालने के बाद ये थोड़े दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था। तो आप इसे दे दीजिए, इस समय मई और जून में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए कि अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि हम अब कोई भी पौधे में ज़्यादा हम कंपोस्ट नहीं दे सकते, इसलिए हमें कोई भी खाद को लिक्विड में ही इस्तेमाल करना है। हम उसे जैसे बर्मी कंपोस्ट है उसका भी आप लिक्विड बना सकते हैं, गोबर की खाद है उसका भी आप लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। धीरे धीरे हम खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं दोस्तों। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर बार सफल हों, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो कोई नहीं, गार्डनिंग है चलती रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डनिंग को एंजॉय करिए, और हाँ इस लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग तो एक बार ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। इस ठंडी खाद का प्रयोग ज़रूर करें।